हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर की ऑर्गेनाइजेशन में बास्केट्स का बहुत बड़ा रोल होता है और बास्केट्स की हेल्प से इजीली किसी भी प्लेस को इंस्टेंटली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आजकल मार्केट में बहुत तरह की बास्केट्स अवेलेबल हैं एंड इट कॉस्ट्स अ फॉर्च्यून टू गेट ऑर्गेनाइज यूजिंग बास्केट्स, और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बास्केट्स को सोच समझ कर चूज़ करें अकॉर्डिंग टू द स्पेस वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस दी बास्केट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की बास्केट्स की और कौन सी बास्केट कहाँ यूज़ की जा सकती है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोथ्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैब्रिक बास्केट्स आर वेरी यूजफुल। ये बहुत सारे साइजेस, कलर्स और डिज़ाइंस में आती हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती हैं। जैसे कि ये छोटी सी फेल्ट बास्केट बहुत ही यूज़फुल है और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने इजीली ये बहुत सारी टी शर्ट्स ऑर्गेनाइज की हैं और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सी हैं और एकदम छोटे से स्पेस में ईजिली फिट हो जाती हैं। ये बहुत कम स्पेस लेती हैं, इसीलिए इन्हें ईजिली शेल्फ पर या इवन ड्रॉर्स में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह से ये बड़े वाली फैब्रिक बास्केट्स जीन्स, वूलन्स या सीजनल क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। एक और अच्छी चीज़ है ये हैंडल, जिससे कि इन्हें यूज़ करना और भी इजी हो जाता है। फैब्रिक बास्केट्स का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपको किसी भी बास्केट की ज़रूरत नहीं है तो इन्हें ईजिली फोल्ड करके स्टोर करके रख सकते हैं और ज़रूरत के टाइम निकाल कर वापस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये फैब्रिक बास्केट विद डिवाइडर्स, अंडरगारमेंट्स, सॉक्स या और छोटे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इन कपड़ों को फोल्ड करके या बिना फोल्ड किए भी इसमें इजीली किसी भी ड्रॉर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बास्केट्स भी डिफरेंट साइजेस में बड़े या छोटे डिवाइडर्स के साथ अवेलेबल हैं। जब ज़रूरत ना हो तो इन्हें भी फोल्ड करके ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। Now let's talk about round baskets. In my opinion, round baskets pantry या cabinets में इतनी useful नहीं होती as compared to square और rectangular baskets. Round baskets की help से किसी भी space को completely utilize करना possible नहीं हो पाता और वो बहुत सारा dead space छोड़ देती हैं जो कि पूरी तरह से waste हो जाता है। जबकि square या rectangular baskets में ये problem नहीं आती और आप pantry या cabinets का complete space utilize कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि क्या राउंड बास्केट्स एकदम यूजलेस हैं? द आंसर इज़ नो। राउंड बास्केट्स लुक रियली गुड ऑन कॉफ़ी टेबल और डाइनिंग टेबल, क्योंकि यहाँ इनका मेन पर्पज़ इस स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ डेकोरेशन भी होता है। राउंड बास्केट्स को आप लिविंग रूम में भी काउच के पास रख सकते हैं और जो भी चीज़ें लिविंग रूम में इधर उधर पड़ी रहती हैं उन्हें इसमें रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कंसीडर बिफोर बाइंग बास्केट्स इज़ टू मेजरिंग द स्पेस केयरफुली जहाँ भी आपको बास्केट्स रखनी है। जैसे कि यहाँ मेरी किचन पैंट्री में बहुत सारा वर्टिकल स्पेस है और इस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए मैंने ये 4-tiered mesh baskets rack यूज़ किया है जो कि perfect fit है इस space के लिए। बहुत सारे vertical space को completely utilize करने के लिए stackable baskets भी बहुत useful हैं। आप अपनी space के according कम या ज़्यादा baskets एक दूसरे के ऊपर stack करके रख सकते हैं। इन्हें kitchen में, bathroom में या wardrobe में या जहाँ भी vertical space को utilize करना है वहाँ use किया जा सकता है। मेरी kitchen pantry में सबसे नीचे इस space को organize करने के लिए मैंने ये buckets use की हैं जिनमें कि लार्ज क्वांटिटी वाला सामान जैसे राइस, शुगर एंड फ्लावर को इजीली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आई ऑल्सो रियली लाइक दीज वोवन लुक बास्केट्स। ये बास्केट्स भी बहुत सारे साइजेज और कलर्स में विद और विदाउट लिड अवेलेबल हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती हैं और काफ़ी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग भी हैं। इन बास्केट्स को किचन में ओपन या अन ओपन ग्रॉसरी आइटम्स या रोज़ ज़्यादा ना यूज़ होने वाली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। दे विल ऑल्सो लुक गुड इन दी वार्डरोब टू स्टोर क्लोथ्स। लिड वाली बास्केट्स को टॉप शेल्फ्स में सीजनल क्लोथ्स या रेगुलर यूज़ ना होने वाली चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। दी बेस्ट पार्ट इज़ कि बिकॉज ऑफ द लिड दे आर स्टैकेबल एंड हेल्प इन यूटिलाइजिंग द कम्प्लीट स्पेस ऑफ द शेल्फ्स। छोटे साइज़ की रेक्टेंगुलर बास्केट्स का भी किचन पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। किचन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें कि ये रेक्टेंगुलर बास्केट्स काफ़ी यूज़फुल हैं, जैसे कि बच्चों के स्नैक्स, कैंस या स्मॉल जार्स ऑफ स्पाइसेस एंड स्नैक्स एक्सेट्रा।
However, क्योंकि ये baskets काफ़ी छोटी हैं, इसीलिए it is difficult to completely utilize the vertical space of the kitchen shelves. इस problem को solve करने के लिए shelf risers use करें, जिससे कि same space में ज़्यादा baskets को easily organize किया जा सकता है. I also really like these wicker baskets. ये baskets काफ़ी strong हैं और instantly किसी भी space को बहुत ही beautiful बना सकती हैं. इन्हें कहीं भी किचन, बाथरूम, पैंट्री या क्लोजेट में यूज़ किया जा सकता है. आई ऑल्सो लाइक देम इन द लिविंग रूम, जैसे कि यहाँ मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुशन्स और थ्रो को ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि अदरवाइज लिविंग रूम को क्लटर करते हैं. आई ऑल्सो लव वायर बास्केट्स. द मेन रीज़न इज़ कि इनमें सब कुछ क्लियरली विजिबल है और ये बास्केट्स एक बहुत ही एलिगेंट सा लुक देती हैं किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए. वायर बास्केट्स भी किचन, बाथरूम, लॉन्ड्री या क्लोजेट में कहीं भी यूज़ की जा सकती हैं. यहाँ मैंने इस वायर बास्केट को लिविंग रूम में बुक्स और रिमोट कंट्रोल वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया है. चाहें तो इसे फ्लोर पे रखिए या साइड टेबल पर, इट विल लुक एलिगेंट बोथ वेज. विकर बास्केट की तरह इसे कुशंस या थ्रो को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अंडर शेल्फ बास्केट्स बहुत यूजफुल हैं एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए. However, according to my experience, they are not always a perfect fit everywhere. जैसे कि मैंने ये अंडर शेल्फ बास्केट यहाँ के लिए बाय की थी, but after buying it, I realized that it doesn't even fit here. मैंने इसे इस कैबिनेट के नीचे भी ट्राई किया, बट अगर इसे मैं यहाँ लगाती हूँ तो इस कैबिनेट का डोर बंद नहीं किया जा सकता. इसी तरह से इस कैबिनेट के अंदर इस शेल्फ पर भी ये फिट तो होती है, बट आई कांट क्लोज द कैबिनेट डोर अगेन. लेकिन इस कैबिनेट में जहाँ ये शेल्फ थोड़ा अंदर की तरफ लगी हुई है, यहाँ इसे ईजिली प्लेस किया जा सकता है. सो मेक श्योर टू एक्यूरेटली मेजर योर स्पेस फर्स्ट बिफोर बाइंग दिस ऑर्गेनाइजर. अब बात करते हैं बास्केट्स विद हैंडल्स की. ये बास्केट्स रेफ्रिजरेटर के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि फ्रिज में से यूजुअली पूरी बास्केट को पिक करना पड़ता है, एंड ड्यू टू इट्स हैंडल इट्स इजी टू पिक दीज बास्केट्स. बिकॉज ऑफ द हैंडल ये टॉप शेल्व्स के लिए भी काफ़ी हैंडी हैं, एज इट इज़ इजी टू ग्रैब द होल बास्केट फ्रॉम द टॉप शेल्व्स फॉर इजी स्टोरेज. So these were a few tips for choosing the right baskets for organization. आजकल मार्केट में बहुत सी baskets available हैं, so make sure कि आप जो भी basket choose करें, इन सभी factors को ध्यान में रखें, जिससे कि आप useless और unwanted baskets पर पैसे waste ना करें. I hope this video was useful for you. If you like this video, then please give it a thumbs up and hit the subscribe button. Thank you for watching. Happy organizing!